हेलो पीपल्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हिंदुस्तान मिरर यूट्यूब चैनल पर। चलते हैं आज की लेटेस्ट न्यूज की तरफ। हर किसी को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। नए साल के साथ ही सभी को कुछ नया शुरू करने की ऊर्जा मिलती है। साल 2020 में बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। इनमें से एक है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। जी हाँ, साल 2020 में दुबई का बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत नहीं रहेगा। अगले साल इसकी जगह लेगा सऊदी अरब का जेद्दा टावर। इस टावर का निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ था। जेद्दा टावर का किंगडम टावर और माइल हाई टावर के नाम से भी जाना जाएगा। आइए आपको बताते हैं जेद्दा टावर की खासियत के बारे में। पहले इस इमारत को साल 2018 में बनकर तैयार होना था, जिसे बाद में आगे बढ़ाकर 2019 कर दिया गया। जेद्दा टावर की लंबाई 1 किलोमीटर यानी लगभग 3,300 फुट ऊंची होगी। सऊदी प्रिंस अल वलीद बिन तलाल उस कंपनी के अध्यक्ष हैं जो टावर का निर्माण कर रही है। प्रिंस अल वलीद बिन तलाल ने इस योजना की घोषणा साल 2011 में की थी। पहले लक्ष्य रखा गया था कि योजना शुरू होने के 36 महीने के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, पर बाद में कई कारणों के चलते ऐसा नहीं हो सका। जेद्दा टावर की नींव के लिए 3 मीटर डायामीटर वाले बेस बनाए गए हैं जो जमीन में 100 मीटर की गहराई तक धंसे हुए हैं। जेद्दा टावर बुर्ज खलीफा की तुलना में करीब 600 फीट ऊंचा है। साल 2014 में जेद्दा टावर के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पूरे शहर पर इमारत की परछाई के प्रभाव को दर्शाते हुए एक फोटो ट्वीट किया गया था। इस फोटो से इमारत की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। जेद्दा टावर का डिजाइन मशहूर वास्तुकार एड्रियन स्मिथ और गॉर्डन गिल ने तैयार किया है, इस लिहाज से भी यह इमारत खास है। बता दें कि बुर्ज खलीफा का डिजाइन भी स्मिथ ने ही तैयार किया था। दुनिया की शीर्ष 11 इमारतों में से 4 का डिजाइन उन्होंने ही तैयार किया है। इसमें चीन का जिफोंग टावर, शिकागो का ट्रंप इंटरनेशनल होटल टावर भी शामिल है। तेल राजस्व में आई जोरदार कमी का असर भी टावर के निर्माण कार्य पर पड़ा है। टावर को पूरा करने के लिए साल 2015 में जेद्दा इकोनॉमिक कंपनी को अलिमना इन्वेस्टमेंट के साथ वित्तीय करार करना पड़ा। इस टावर को मुख्य रूप से एक आवासीय होटल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह टावर 2,45,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ होगा, जिसमें कार्यकाल के लिए 200 कमरे, 4 सीजन होटल, 121 सर्विस अपार्टमेंट्स और 360 आवासीय अपार्टमेंट्स शामिल होंगे। किंगडम टावर का डिजाइन त्रिकोणी इसलिए रखा गया है ताकि यह हवा के वेग को किसी भी दिशा से झेल सके। इमारत के किनारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बहुत कम हिस्सों तक ही सूरज की तेज रोशनी पहुंच सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर सऊदी बिन लादेन को साल 2014 में तेल राजस्व में कमी की वजह से भारी नुकसान हुआ था। इस कंपनी की स्थापना, जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेकर बिल्डिंग बनाती है, 80 वर्ष पहले आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन के पिता ने ही की थी। तो पीपल्स, मिलते हैं अगले टॉपिक में। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि इस चैनल से लेटेस्ट न्यूज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।